इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट करेगी चिप डिज़ाइन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल्सो कोविड-19 पैंडमिक के बाद से इंडिया अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सून इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बूम करने वाली है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मूवमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। एंड दिस इज अ बिग न्यूज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंक्लूडिंग मी। सो गाइस, अपना टाइम अब आ चुका है, बिकॉज अभी तक हम यही सुनते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इंडिया में स्कोप नहीं है, कोर इंडस्ट्रीज में जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, बिकॉज अब इंडिया में काफ़ी सारी न्यू फैब यूनिट्स का सेटअप होने जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आने वाले 6 साल में 2 ग्रीन फील्ड फैब यूनिट्स एंड 2 डिस्प्ले यूनिट्स का ये सेटअप करेंगे। अब डिस्प्ले यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि स्क्रीन्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब ये ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब यूनिट एंड डिस्प्ले यूनिट, इन दोनों का सेटअप करना ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट 76,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाली है कंपनीज को। एंड 1 जनवरी 2022 से ही इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि वो सारी कंपनीज जो इंडिया में इन फैब यूनिट्स को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट करने लगी गवर्नमेंट। तो रीज़न क्या है इतने ह्यूज इन्वेस्टमेंट का और क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में? सो रीज़न ये है कि अभी भी हम डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़ में। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज से। एंड इंडियन गवर्नमेंट का सिंपल सा गोल ये है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे, इन कंपोनेंट्स के इंपोर्ट को लेकर उस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जब हमने चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट किया था, तब इंडिया में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप जनरेट हो गया था, बिकॉज यहाँ पे चिप का शॉर्टेज चल रहा था। आज भी शॉर्टेज तो चल रहा है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं इन फैब यूनिट्स के सेटअप की वजह से। अब मोस्ट ऑफ द पीपल का डाउट ये होगा कि ये फैब यूनिट्स क्या होती हैं। सो फैब यूनिट्स आर नथिंग बट फैब लैब्स और फैब्रिकेशन लेबोरेटरीज, जहाँ पे प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि जहाँ पे वेफर्स बनाए जाते हैं। अब इंडिया में पहले से ही कई सारी फैब लैब्स हैं, कई IITs की फैब लैब्स हैं, चंडीगढ़ की फैब लैब है, बट ये सारे फैब यूनिट्स जो हैं R&D पे काम करती हैं, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। बट अब जो फैब यूनिट्स आने वाली हैं इंडिया में, इनका मेन टारगेट है मास प्रोडक्शन करना, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे, उसे ख़त्म किया जा सके। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि वो सारे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो या तो BTech कर रहे हैं, या तो MTech कर रहे हैं, या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं कोर इंडस्ट्रीज में जॉब लेने के लिए, सो गाइस रोल अप योर स्लीव्स, बिकॉज आपका टाइम अब आ चुका है। इंडिया में इतनी सारी फैब यूनिट सेटअप होने जा रही हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज की वो बढ़ने वाली है। इसलिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो और अपना कैरियर बनाना चाहते हो इस डायरेक्शन में, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज काफ़ी सारी ओपनिंग्स आने वाली हैं आने वाले टाइम पे। अब ये तो बात हो गई कि आने वाले टाइम में क्या होगा, बट अगर अभी की हम बात करें तो अभी की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि इंटेल, NXP, NVIDIA, ARM, इस सारी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसलिए गाइस, इट्स टाइम टू बी प्रोएक्टिव, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब ज़रूर मिलेगी। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अप्लाई करना स्टार्ट करो कंपनीज में। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं कि कैसे आप सर्च कर सकते हो किन कंपनीज में ओपनिंग आई है, किन में नहीं आई है, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए कोर कंपनीज के इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं इन सारे टॉपिक्स पे अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वो सभी स्टूडेंट जो BTech में एडमिशन लेने जा रहे हैं
और जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, सो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बूम करने वाली है इंडिया में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल आप इस ब्रांच के साथ जाओ, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं डैम श्योर हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आईटी सेक्टर को बीट करेंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो देखकर काफी मोटिवेशन मिला होगा एंड 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सो बी रेडी गाइज, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपने अभी तक वेरीलॉग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसे एक्सेस करो, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।